हाय गाइस, क्या हाल चाल। आई होप आप अच्छे होंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक बैच अनाउंसमेंट किया था, सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स बैच अनाउंस था और मैंने कहा था कि मैं इसकी इन्फॉर्मेशन जल्दी ही दूंगा। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नया बैच कब आने वाला है, कौन से अटेम्प्ट के लिए अप्लीकेबल रहेगा, कौन से बच्चे इस बैच को कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और वगैरह वगैरह चीजें। सबसे पहले हमारा नया बैच आ रहा है एफआर का जनवरी मंथ के फर्स्ट वीक। अभी एग्जैक्ट डेट तो हम नहीं बता सकते, बट ये जरूर बोल सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जैन, लाइक 5-6 तारीख के आसपास स्टार्ट होगा। दूसरी बात, ये बैच कौन से अटेम्प्ट में रहेगा, ये बैच अटेम्प्ट रहेगा नवंबर 23 एंड ऑनवर्ड्स। अब आप बोलोगे कि सर मई 23 के लिए नहीं रहेगा क्या, रुकिए मैं आपको बताता हूँ कि मई 23 के लिए क्यों नहीं रहेगा और मई 23 के लिए क्या चीज हो सकती है आपके लिए बेस्ट। सो ये पूरी वीडियो पूरा देखिए। नंबर 3, ये बैच को कौन से बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, दो टाइप के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। पहला, जिन्होंने अभी तक एफआर नहीं किया है, जो पूरी तरीके से फ्रेशर्स हैं, उनके पास टाइम जो है वो सफिशिएंट नहीं है, मतलब टेक्निकली उनको करना तो चाहिए रेगुलर कोर्स, बट उनके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है और नवंबर 23 में उनका अगर अटेम्प्ट आ रहा है तो वो बच्चे कर सकते हैं, ठीक है ना। वो फ्रेशर्स हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि हम सब कुछ कवर करेंगे, एक एक चीज कवर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, ठीक है। दूसरा, वो सारे स्टूडेंट्स जिन बच्चों ने एफआर बहुत पहले कर रखा है, जिनको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है एफआर में, डर लगता है, डर छोड़ो, अकाउंट से उनको बहुत ही सारी दिक्कतें तकलीफें हैं, तो वो बच्चे भी अपना एफआर अगर वापस से अच्छे से करना चाहते हैं तो ये बैच उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। तो ये दोनों टाइप के बच्चों के लिए बैच बनने जा रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जनवरी में हम ये बैच क्यों शुरू कर रहे हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप सब जानते हो कि नवंबर 23 से वी आर एक्सपेक्टिंग सम न्यू चेंजेस इन द एक्सिस्टिंग स्कीम और प्रपोज स्कीम। अब क्योंकि नई स्कीम आने वाली है और सुनने में आ रहा है कि नवंबर 23 से ही जाएगा, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इंस्टीट्यूट अपने नए बुक्स पे प्लानिंग कर रहा है नई स्कीम के हिसाब से, सो आई एम एक्सपेक्टिंग सम लिटिल बिट चेंजेस इन द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस डिलीट हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस नए आ सकते हैं, हालांकि ओवरऑल कोर्स वही रहेगा, कोर्स सब कुछ वही रहेगा, दो छोटे चैप्टर निकाले जा रहे हैं तो मोटा मोटी कोर्स वही है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि मॉड्यूल के अंदर कुछ हल्के फुल्के चेंजेस किए जा सकते हैं। सो मैं पर्सनली मानता हूँ कि जनवरी में मैंने इसीलिए यहाँ पर बैच अनाउंस किया है कि अभी मैं करंटली अपनी बुक्स पे काम कर रहा हूँ और बुक्स में हम पूरी तरीके से बदलाव ला रहे हैं। अभी हम अपना नया कंपाइलर ला रहे हैं, नए कंपाइलर में सारे के सारे आईसीआई का पूरा मॉड्यूल रहेगा, इलस्ट्रेशंस, टेस्ट और क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी पास, एग्जाम पेपर, सब कुछ रहेगा, एक ही बुक के अंदर सब कुछ रहेगा और एक अलग से कॉन्सेप्ट बुक बनेगा जो कि बहुत ही एक सफिशियंट रहेगा। अगर आपको खुद से कॉन्सेप्ट पढ़ने हो, सिंप्लीफाइड मैनर में पढ़ने हो, तो वो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक रहेगी। सो अभी हम एक बुक पे काम कर रहे हैं, हमारा बुक पे भी काम चल रहा है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि तब तक अगर इंस्टीट्यूट ने कुछ चेंजेस कर दिए अपने मॉड्यूल में तो हम उन मॉड्यूल के चेंजेस को भी इनकॉर्पोरेट कर ही लेंगे, और अगर तब तक कुछ चेंजेस नहीं किए इंस्टीट्यूट ने तो बाद में तो आपको अलग से फ्री वीडियोस और फ्री नोट्स के जरिए तो आपको बताई जाएंगे, वो आपको चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो यही रीजन है कि हम अपना बैच जनवरी में ला रहे हैं। एक और कि इस बैच में स्पेशल क्या होने वाला है, इस बैच में स्पेशल ये होने वाला है कि ये बैच का ड्यूरेशन रहेगा 150 आवर्स। अब आप बोलोगे सर 150 आवर्स में पक्का कोर्स पूरा हो जाएगा या फिर आप बहुत ही तेज करवाओगे। देखो बेटा क्या होता है, मैं आपको अगर इसको रेगुलर इन डेप्थ कोर्स से कवर करके बताऊं तो कंपैरिजन कुछ ऐसा है कि जितना हम रेगुलर इन डेप्थ कोर्स पढ़ाते हैं सब कुछ उतना ही आपको इस बैच में पढ़ाया जाएगा। रेगुलर इन डेप्थ कोर्स में अगर हम 800 से 1000 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस बैच में हम लगभग 400 से 500 क्वेश्चन की सॉल्विंग करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कस करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं डिस्कस तो अपने बूस्टर पास ट्रैक में भी करता हूँ तो इस बैच में कैसे कर सकता हूँ। यही बैच आज से हमने 1.5 साल पहले बनाया था, सुपर 50 एग्जाम ओरिएंटेड, वो बैच हमारा बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड हुआ था, बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ था, बहुत अच्छा फीडबैक आया था। इस बार हम उसको 150 आवर्स में कवर अप करेंगे। यस, उसके साथ हम 20 से 30 आवर्स का एडिशनल क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस भी करेंगे। मतलब 150 आवर्स के ड्यूरेशन वाले बैच में 100% कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग करेंगे उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो बच्चे पहली बार एफआर कर रहे हैं। 400 से 500 क्वेश्चंस की जो मैं प्रैक्टिस कह रहा हूँ उसी 150 आवर्स के ड्यूरेशन में ही करवाया जाएगा। बट कभी कभार बहुत सारे बच्चे होते हैं दिल है कि मानता नहीं, बहुत सारी भूख लगी है, पेट और भरा नहीं, तो क्या करें। तो ऐसे केस में हम 20 से 30 आवर्स एडिशनल रखेंगे फॉर सॉल्विंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और वो 20 से 30 आवर्स आपके ऑप्शनल रहेंगे। जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है, नहीं देख पे है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, 150 आवर्स में देख सकते हैं सफिशियंट स्कोर आराम से, 150 आवर्स में वो एटलीस्ट एग्जम्पशन को ला ही सकते हैं। दूसरा, जिनको लगता है कि नहीं मेरे पास और टाइम है, मैं और क्वेश्चंस देखूं, तो
मोर 20 से 30 आवर्स का एडिशनल लेक्चर्स भी देख सकते हैं, जिसमें सिर्फ सॉल्विंग 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 प्रैक्टिस 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 होगी एडिशनल क्वेश्चंस की, और वो चीज आप अलग से देख सकते हो जिसमें आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। सो टेंटेटिवली आप ये मान के चलो कि 150 से 55 आवर्स का ओवरऑल बैच रहेगा, एडिशनल 25 से लेकर 30 आवर्स का बैच रहेगा वो एडिशनल क्वेश्चंस का। अब आते हैं आपके May 23 अटेम्प्ट। जो May 23 अटेम्प्ट के लिए आई मस्ट रिकमेंड यू कि आप ये बैच से भी बेटर आप फास्ट ट्रैक बूस्टर बैच करो, क्योंकि अगर आप इस बैच का वेट करते हो तो आपको जनवरी फर्स्ट वीक का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो जनवरी फर्स्ट वीक का जो बैच रहेगा ये टेंटेटिवली हमारा ओवर होते होते मार्च मिड हो जाएगा। अब जब वो मार्च मिड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में आए, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि May 23 के लिए हमारा ऑलरेडी बहुत ही जबरदस्त कोर्स डिजाइन किया हुआ है, व्हिच इज फास्ट ट्रैक बूस्टर कोर्स। फास्ट ट्रैक बूस्टर कोर्स का पिछले 4-5 साल से ले रहा हूँ, हर बार इसको रिकॉर्ड करता हूँ और सच्ची बता रहा हूँ, इस टाइम पे जहाँ पर अटेम्प्ट आने में सिर्फ 4 महीने 4.5 महीने बचे होते हैं 5 महीने बचे होते हैं, बूस्टर इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ द स्टूडेंट। अभी तक मैं आपको बता दूं कि हर साल इस बूस्टर कोर्स को तकरीबन 8 से 10 हजार बच्चे देखते हैं, और ये एक तरीके से बहुत ही कॉम्प्रेहेंसिव कोर्स है। इसमें प्रैक्टिस भी है, अच्छी खासी रिविजन भी है, प्रैक्टिस भी है। मैंने आपको बताया फास्ट ट्रैक बूस्टर में भी कोई डिस्कशन नहीं है, प्रैक्टिस भी है। बूस्टर कोर्स 100 आवर्स का होता है, 100 आवर्स में 60 आवर्स का कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस और 40 आवर्स का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, तो कुल मिला के 100 आवर्स का होता है। ये आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है क्योंकि ये बैच तकरीबन आपको 3000 के आसपास पड़ेगा। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फास्ट ट्रैक बूस्टर बैच लीजिए अगर आपका अटेम्प्ट May 23 है, और अगर आपका अटेम्प्ट November 23 है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो हमारा नया बैच आ रहा है आप उसका वेट करिए और वो जनवरी फर्स्ट से शुरू हो जाएगा। अब बाकी चीज बची कि इसमें बुक्स मिलेंगे कि नहीं, डेफिनेटली नए बैच जो आ रहा है उसमें नए बुक्स भी मिलेंगे, और प्राइस आप टेंटेटिवली इसका मान सकते हो लगभग 6000 से 8000 के बीच में इंक्लूडिंग बुक्स। सो 6000 से 8000 के बीच में रहेगा इंक्लूडिंग बुक्स ऑप्शन रहेगा। फाइनल डेट क्या होगी उसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई पूछना है इस बैच के रिगार्डिंग या May 23 के बैच के रिगार्डिंग, आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 7887788705, ठीक है। सो अब बचा कि डेट क्या होगी नए बैच का, तो वो बहुत ही जल्द आपको बता दिया जाएगा, डोंट वरी, एक और नया वीडियो आएगा उसके थ्रू आपको बता दिया जाएगा।